ओके सो अब हम करने वाले इस कार की वर्सेज इस कार से, तो देख सकते हैं साइज़। तो मैं इस कार को इधर रखता हूँ और ये रहा रिमोट अपना, तो रिमोट पे कर देते हैं ये फॉरवर्ड के लिए वो। तो आपने देखा कितना ऑसमली गया ये। दोबारा से इसको इसके सामने रखता हूँ मैं और ये दबाते हैं इस बटन को वो। ये चल रहा, वेरी गुड। ओ ये देख सकते हैं आप। ओके सो अब एक साथ हम करने वाले दो दो कार्स की फाइट। तो इसको यहाँ रखता हूँ मैं और इसको रखता हूँ यहाँ पे, इसको रखता हूँ यहाँ पे। ओके सो ये रहा बटन वो। तो हेलो एवरीवन, तो मैं आ चुका हूँ दोबारा से आप सबके लिए लेके एक नए टॉय की वीडियो, जो कि एक सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम टॉय है, जिसे देख के आपका एक्साइटमेंट जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे देख के इसे मेरा बढ़ गया था। चलो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए दिखाता हूँ आपको वो टॉय। तो हियर वी गो, ये रहा वो टॉय, सुपर ऑसम स्टंट कार, वो है रेडियो कंट्रोल। तो ये जो प्रोडक्ट है जो सच में मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल चुका है, मगर आप इसे ऑनलाइन लेंगे तो ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा, मगर मैं इसे पास ही मार्केट से लाया हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा सस्ता पड़ गया ऑनलाइन से। ओके सो इसकी अनबॉक्सिंग से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए ऐसे ऑसम ऑसम टॉयज़ के बारे में। ओके सो थोड़ी पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल्स, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये स्टंट कार है, जो हमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। आरसी है, मतलब आरसी मतलब रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल है तो सच में काफ़ी ऑसम होगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल टॉय सच में बहुत ज़्यादा ऑसम होते हैं। 360 मूव कर सकती है, एक हाई स्पीड कार है और फुल डायमेंशन, मतलब ये हर डायमेंशन में भाग सकती है, ठीक है। मतलब हर डायमेंशन से यहाँ पर ये मतलब होता है कि ये डायमेंशन बहुत जल्दी चेंज कर लेती है, ठीक है। सो ये स्केल का मुझे फंडा पता नहीं। यहाँ पे 10 प्लस एज मेंशन कर रखी है, आई थिंक एज यहाँ कोई मैटर नहीं करती, इसे 3 साल के बच्चे चलाते हुए हम देखे हैं। ओके सो ये बैक साइड में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ का बैटरी पैटर्न क्या है। तो बैटरी है जो यहाँ पे जो आपकी स्टंट कार है उसमें लगेंगी 3, और जो आपका ये रेडियो सॉरी इसका जो रिमोट है इसमें लगेंगी आपकी 2। और ये है लेफ्ट राइट जॉयस्टिक का जो स्विच है, यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स का है जॉयस्टिक पे स्विच। ओके सो यहाँ वार्निंग भी कुछ लिखी हुई है, सो वार्निंग पे कोई ध्यान नहीं देता। सो ये मेड इन चाइना कार है, तो आई थिंक क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सब कुछ ऑसम है। तो टाइम ना लगाते हुए ये हो गया ओपन इसका गेट। हैप्पी डेंजर यहाँ लिख रखा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो, जो कि सच में एक फनी लाइन है। ओके सो अब गाड़ी को बाहर निकालते हैं, सो कर देते हैं बॉक्स को एक साइड। ओके तो ये रही वो कार, देख सकते हैं आप ये कितनी ऑसम कार है। ओके सो अब बात कर लेते हैं इस कार के बारे में। तो इस कार के डिज़ाइन की बात करें तो आप इसके अगले और पिछले टायर को देखिए, कंपेयर कीजिए, क्योंकि अगला टायर सच में बहुत लाइटली मूव कर रहा है ये, और इसका जो पिछला टायर है ये मोटर से कनेक्टेड है। सो हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा हार्ड है, मूव हो रहा है। तो ये बैक साइड में ये और रोटेटिंग टायर दे रखा है, टायर तो नहीं है मगर आई थिंक रोटेटिंग के लिए ही थर्ड है कि अच्छे से स्टैंड होके भी चल सके। ओके सो बात करते हैं इसके टायर की ग्रिप्स की। तो ग्रिप्स देख सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो में दिख रही हो कितनी तगड़ी ग्रिप है इस पे। ओके और ये टायर दे ही रखा है आप, तो इसका डिज़ाइन देखिए कितना ऑसम डिज़ाइन है। यहाँ पे शार्क की जैसे पीठ पे नहीं निकले होते हैं उस टाइप के दो डिज़ाइन दे रखे हैं। ओके और इसके कलर की अगर बात करें तो कलर भी बहुत ऑसम है, इधर सिल्वर ब्लैक और स्काई ब्लू का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके टायर के रिम भी स्काई ब्लू हैं। ओके सो एक और चीज़ जो इसकी रोटेटिंग है, तो ये अभी से रोटेट हो रही है। ओके सो इसको हटाते हैं और एसेसरीज देखी जाए तो नंबर वन एसेसरीज पे आता है इसका रिमोट, जो कि बहुत क्यूट रिमोट है। सच बताओ तो बहुत ज़्यादा क्यूट है ये दिखने में और छोटा सा है, तो इसे छोटे बच्चे भी सही से हाथ में पकड़ सकते हैं, अच्छे से ग्रिप आ जाएगी। ओके सो इसके अलावा आपको इन्हें प्रोवाइड कर रखा है एक चार्जिंग केबल, जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसके यहाँ पे ऑप्शन है। बट आपको मैं पहले वार्निंग दे दूँ कि अगर आप इसमें बिना चार्ज, जैसे ये एवरआईडी की प्रोडक्ट्स आते हैं सेल्स आती वो लगा रहे हैं, तो आपको चार्ज नहीं करना क्योंकि वो रिचार्जेबल नहीं होती, उसके साथ अलग से एक बैटरी प्रोवाइड कर रखी है। बट ड्यू टू सम रीजन मैं वो बैटरी नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि वो बैटरी सच बताऊँ तो काफ़ी लो क्वालिटी की होती है, तो मैं नहीं चाहता कि टॉयज पर कोई असर पड़े। सो इसकी केबल को हम कर देते हैं साइड। ओके सो बात कर लेते हैं इसमें कितनी बैटरी की स्लॉट्स दी हुई हैं। सो
कर लेते हैं इसको ओपन, तो इधर तीन हैं और अगर बात करें इसके रिमोट की तो यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए ये आगे हमारे पास पांच सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं रिमोट में सेल्स को। ओके, वन टू, ओके, सो इसको कर देते हैं हम क्लोज। क्लोज हो चुका है। ओके, सो अब डालते हैं तीन सेल्स को यहाँ पे, वन एंड टू एंड लास्ट वन थ्री। ओके, सो अब इसे कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे दे रखा है ऑन ऑफ का, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑन स्विच। ओके, सो अब टाइम आ गया इसको टेस्ट करने का। तो एक सेकेंड, मैं पहले बॉक्स पे आपको दिखा दूँ कि इनने पहले हमें बता रखा है कि कैसे रिमोट यूज़ करना है। ये फॉरवर्ड के लिए, सो फॉरवर्ड हो रहा है, ये बैकवर्ड के लिए। और सो जो इस कार में सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है, जो इस कार की सबसे ज़्यादा खास बात है, वो करते हैं। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन बटन को यूज़ करने के लिए। तो ओके, वन टू, ओके, सो अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, तो अब इसको रिवर्स करते हैं। वो आई थिंक इससे ज़्यादा एक्साइटिंग टॉय आपको इस प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला। देख रहे हैं आप, वो कितना ऑसम टॉय है। ओके, आप इसको आगे पीछे करते हैं ऐसे, वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में सीधा हो जाएगा। ओके, सो बैक फ्रंट बैक बैक, कितना ज़्यादा ऑसम टॉय है। आई थिंक इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि उसे क्या गिफ्ट किया जाए, तो इसे ज़्यादा गिफ्ट करने के लिए बेटर चीज़ आपको इस प्राइस में कुछ नहीं मिलने वाला। और सच बताऊँ तो टोटली सेफ गाड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके साथ तो आई थिंक कोई भी बच्चा पूरे दिन खेल के भी नहीं बोर होने वाला और आपके इस टॉय को कोई लाइफ याद करने वाला है। ओके, सो इससे ज़्यादा तो आई थिंक इसके फीचर्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो तो मैंने अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाइए और इस कार को परचेज़ कीजिए। ओके, सो और हाँ, वीडियो प्लीज़ छोड़ने से पहले इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और वीडियो के कमेंट में जाके ज़रूर बताना कि आपको ये ऑसम रोटेटिंग कार कैसी लगी। ओके, एंड शेयर भी कर देना अपने छोटे दोस्तों के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी ऑसम वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल का नाम याद रखना, टॉयज ट्रैफिक। थैंक यू।